मैं कोई एकनाथ शिंदे के पीछे दौड़ने वाले में से आग्री नहीं हूँ, है ना समझ में। एकनाथ शिंदे ऐसा नहीं, कोई भी होने दो, कोई भी मुख्यमंत्री होने दो, उसके पीछे दौड़ने वाला आग्री नहीं है। आग्री समाज बहुत दयालु होते हैं, जिससे दोस्ती करती है उसके लिए जान भी देती है, और जिससे दुश्मनी करती है उसकी जान भी लेती है। हमारे नेते आगे पीछे दौड़ने वाले, आगरी हाँ आगे पीछे दौड़ने वाले नेते हमने देखे, उनमें से हम नहीं होते। जो हकीकत है वो मैं रखूंगा जनता के सामने। डर डरते तो बैठाएंगे ना, मामा खड़ा है। डर डर होना चाहिए। मेरा है ना शिवसेना का हर एक कार्यकर्ता का डर है, वो जाके शिवाजी महाराज की कसम खाते इतने पब्लिक के सामने इनके बारे में। फिर वो कसम खाए तो अपनी जबान पे कायम रहो ना, वो हमको क्या सिखाएंगे मुख्यमंत्री, हम क्या, हम भी आपने उनके बहुत देखा चेले। है। अरे हमने बचपन ना देखा है, साहब खत्म, एक बार बोल दिया तो बोल दिया, उन्होंने खाली ऐसे दाढ़ी पे हाथ घुमाया तो बात खत्म हो गई। तो अच्छी बात है ना, मराठी लोग अभी समझ गए बात को, मराठा आरक्षण के बारे में जो मराठा समाज है ये बात को लेके चले, समझना चाहिए ना। हम किसके ऊपर भरोसा कर रहे थे, हम एकनाथ शिंदे के ऊपर भरोसा कर रहे थे, वो भरोसे लायक है क्या। नरेंद्र पाटिल ने पहले ही गलती किया कि जो आए थे जो जोश से, वो बम्बई में घुसना चाहिए था। भड़का रहने का बात क्या आता है, वो शांत होने की जरूरत ही नहीं थी, उनको लगा दिया और चाटते रहो बोला। तो क्या जवाब उसी टाइम पे अगर एक झटका देते तो सब सुधर जाते थे, देना नहीं, चाहिए, क्राइम वाला पहुंच हो जाएगा। जाए ना, क्या फर्क आपके पड़ता। पुराने तो बहुत कांड हम होंगे। चाहते हैं कि 2 महीना जाके अंदर बैठे आराम करें। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं। एक ऐसा व्यक्ति मेरे साथ उपस्थित है जो पालघर जिले का यानी लोकसभा क्षेत्र का समन्वयक है, उद्धव बाला साहब ठाकरे दल का। शिवसेना लगातार अपने इस नाम को लेकर चल रही है। लंबे समय के बाद हमारी उनसे बातचीत, और बातचीत में जानेंगे कि लोकसभा चुनाव के आगामी क्षेत्र में यानी चुनाव के रणभूमि में कैसे तैयारी है, किस तरीके से एकनाथ शिंदे की शिवसेना से लड़ाई लड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी से कैसे लड़ाई लड़ेंगे, और कैसे होगी उनकी रणनीति, उम्मीदवार कहाँ हैं, इस पर चर्चा होगी। और चर्चा होगी एकनाथ शिंदे पर इनकी बेबाकी की टिप्पणी, आखिर क्यों इतनी निडरता बेबाकी से लगातार ये एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करते हैं। आइए सीधे बात करते हैं। सबसे पहले आपको नमस्कार। क्या कहेंगे, जिस तरीके का माहौल है इस समय महाराष्ट्र में और आप लगातार टिप्पणी करते रहते हैं, मैं लोकसभा चुनाव की बात कर लेता हूं, क्या माने कि आने वाले लोकसभा चुनाव में उस शिवसेना से जो अब टूट चुकी है, अब बिखर चुकी है, उस शिवसेना की लोकसभा के समन्वयक के रूप में आपकी जिम्मेदारी खड़ा कर पाएंगे, उम्मीदवार के रूप में किसी को और जिताने के प्रयास कैसा रहेगा? देखिए पूरी तैयारी है, और पालघर की सीट चुन के भी आएगी, उसमें कोई डाउट नहीं। चुन के भी है, किससे लड़ाई जब लड़ेंगे आप, भारतीय जनता पार्टी से या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से? वो दोनों का तो युति है ना, एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी लेकिन का आपके युति है। सामने दोनों में से एक दल आएगा ना सिंबल लेके, या तो धनुष बाण आएगा या तो कमल आएगा, आपकी मशाल कितना तेज होगी? हमारा मशाल रहेगा उद्धव साहब का, और उद्धव साहब का आदेश रहेगा पूरा पालघर के शिवसैनिक जी जान से उतरेंगे, काम करेंगे और चुन के लाएंगे उम्मीदवार। लेकिन वो तो कह रहे हैं जो लिमिट के बाहर होता है उसका कार्यक्रम कर देते हैं, कौन बोल रहे हैं? एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री। अब आपने तो इतनी लिमिट क्रॉस की है, मुख्यमंत्री बनने से लेकर उससे पहले तक लगातार उनके खिलाफ बोलते गए, तो कार्यक्रम वाला शब्द यहां ना फिट हो जाए। उससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने 400 पुलिस भेजा था पकड़ने के लिए, तभी भी तो हम लड़े थे और अभी भी हम लड़ रहे हैं। रहा सवाल, उनका कार्यक्रम था और आपको पुलिस स्टेशन में बिठा दिया गया था, हाँ तो बैठाने से क्या फर्क वो तो होता है। ट्रेलर था। हाँ अभी पिक्चर बाकी है, और उन्होंने पिक्चर बनाया तभी भी मैंने विरोध किया था ना, जब उन्होंने पिक्चर बनाया और पिक्चर देख के आया, मैं मेरी फैमिली को लेके गया था, और जब भी जैसा ही थिएटर से बाहर निकला, शायद आपको भी बुलाया था, और मैंने वहाँ बैठ दिया कि ये पिक्चर झूठा है, क्योंकि दिगे साहब के साथ खाली 5 ही लोग नहीं थे, हजारों लोग थे, बम्बई के सब छठे हुए बदमाश वही आके शरण लेते थे। तो ये 4-5 लोगों से क्या दिगे साहब ने पूरा पालघर जिला और वो थाने को कवर किया, वो हमको दिखाएंगे क्या? तभी भी मैंने तो, वो तो तभी नगर रचना मंत्री थे, शिवसेना के बहुत बड़े पद पे थे, फिर भी मैंने विरोध किया था, तभी मुझे शिवसेना वाले शायद मेरे ऊपर नाराज हो जाएंगे, तो मुझे वो सब चीज़ का फर्क नहीं पड़ता है। जो हकीकत है वो मैं रखूंगा जनता के सामने, उसमें लेकिन क्या वो जिस तरीके से उनका आगमन होता है, और आप अगर एक दिन पहले बयान देते हैं एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री आने वाले होते हैं तो आपको पुलिस ने बिठा लिया जाता है, ये तो उनका ट्रेलर था ना। डर होना चाहिए, डर अच्छा, डर डरते तो बैठाएंगे ना, मामा खड़ा है। डर डर होना चाहिए। मेरा है ना शिवसेना का हर एक कार्यकर्ता का डर है, वो शिवसेना जो हमारे पीछे बैनर लगाए, नाम दिया शिवसेना, तो शिवसेना से डरते। उद्धव बाला साहब ठाकरे की जो शिवसेना है वो शिवसेना से डरते। आप डराते हैं।
डरते हैं ना लोग, क्यों ना डरेंगे, डरना चाहिए, डर होना चाहिए। महाराष्ट्र में शिवसेना का डर, से जनार्दन पाटिल का डर तो वो मान लिया पालघर में है, लेकिन महाराष्ट्र में शिवसेना से डरते हैं, उद्धव साहब से लोग सब डरते हैं, मुख्यमंत्री तो डरती है, पंतप्रधान भी डरते हो उद्धव साहब से, और क्या आगे बोलो बोलो। पर वो तो कहते हैं कि इनका कामकाज ठीक नहीं था जो पीछे 2.5 साल बीता उद्धव बाला साहब ठाकरे जी का, मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने सिर्फ कमरे में बैठकर घर में बैठकर काम किया, जिसकी वजह से उनको अब घर में बैठना पड़ रहा है, यानी मुख्यमंत्री पद से हटना पड़ रहा। वो बोलने से क्या होता है, जनता बोल रही है ना, जनता क्या बोल रही है। उद्धव साहब का नंबर आया ना कोरोना का, योगी का क्यों नहीं आया नंबर, योगी तो उनके पार्टी के थे ना, हिंदूवादी है, फिर उनका क्यों नहीं अच्छा काम भी नंबर आया। महाराष्ट्र में उद्धव साहब का नाम क्यों, कोरोना काल में अच्छा काम करने तो अच्छा अच्छा मुख्यमंत्री थे करके लोगों ने बोला ना और नंबर आया ना, उसमें गलत क्या है। और पार्टी में भाजपा वाले तो बोलेंगे ही उनके खिलाफ, उससे फर्क क्या। अभी डर की बात, अभी हाल ही में कल्याण लोकसभा क्षेत्र में श्रीकांत शिंदे का लोकसभा क्षेत्र है, वहां गोली बारी, स्टेशन के अंदर गोली चल जाती है, उसके बाद शिवसेना के और एक वहां के क्रिश्चियन समुदाय का एक कार्यकर्ता था, उन दोनों के बीच में गोली चली, एक ने अपने आप को गोली मार रही, एक ने उनको गोली मार, उनकी मृत्यु। उसके बाद घटना आई, उससे पहले भी क्योंकि मीरा भाईंदर किसी से छुपा नहीं है, बहुत बड़ी घटना हुई, पूरे देश में चर्चा हुई। तो इस तरह के तमाम घटनाओं पर आप डर जो अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे, क्या लगता है गृह मंत्री के कामकाज ठीक ठाक है जिस तरीके से होने चाहिए? अगर उनका कामकाज ठीक रहता तो एक ही महीने में 3 घटना हुई, डोंबिवली में हुई, बंबई में हुई, दहिसर में, मीरा रोड में हो गया इतना बड़ा कांड। तो अगर उनके कंट्रोल में महाराष्ट्र रहता तो ये कांड होता था कि मेरे को आप बोलो, वो फेल है, गृह मंत्री फेल है, इसके वजह से हो रहा है। 2.5 साल पहले क्यों नहीं हुआ, पालघर हुआ था, क्या साधु हत्याकांड, साधु हत्याकांड हुआ था, उसकी चर्चा होती है, तभी भी उद्धव साहब को बदनाम कर रहे थे। अभी क्या हो रहा है, वहां तो जंगल में हो गया था, यहाँ तो पुलिस स्टेशन में हो रहा है, पुलिस स्टेशन के अंदर गोली चल रही, तो वो तो जब बीजेपी का ही विधायक चला। हाँ, तो फिर अभी अभी क्या बोलेंगे बीजेपी वाले, अभी क्यों चुप है, तभी तो बहुत उद्धव साहब के नाम से चिल्ला रहे थे, वो तो जंगल में हो गया था ना, आदिवासी एरिया में हो गया था, ये तो पुलिस स्टेशन में हो रहा है, तो क्या कर रहे हैं गृह मंत्री, क्या कर रहे हैं आप बताओ मुझे। आप ये बात मुझे कर रहे, मुख्यमंत्री दशहरा मेले में जाके शिवाजी महाराज की कसम खाते इतने पब्लिक के सामने आरक्षण के बारे में, फिर वो कसम खाए तो अपने जबान पे कायम रहो ना, अभी क्यों पलटी मारे। महाराष्ट्र के देवत्व छत्रपति शिवाजी, तो उनकी उनकी कसम किसी ने खाने के लिए तो नहीं बोली थी ना उनको। मुख्यमंत्री को अपने आप पे भरोसा नहीं है, इसके लिए पब्लिक को दिखा रहा था और शिवाजी महाराज की कसम खा रहा था, और कसम खाया है तो वो काम को पूरा करो, क्यों नहीं करे पूरा। फिर शिवाजी महाराज से बड़ा कौन है और किसके दबाव में आप आ रहे हो, बाला साहब का नाम लेके चल रहे हो आप, दिगे साहब का नाम लेके चल रहे हो आप, शिवाजी महाराज का नाम लेके चल रहे, तो दिगे साहब ने कभी ये तो शिकाया नहीं हमसे, एक बात कह रहे थे खत्म, एक बार बोल दिया तो बोल दिया, उन्होंने खाली ऐसे दाढ़ी पे हाथ घुमाया तो बात खत्म हो गई, वो हमको क्या शिकायेंगे मुख्यमंत्री, हम क्या, हम भी उनके चले, अरे हमने बचपन ना देखा है दिगे साहब के साथ में, वो हमको क्या शिकायेंगे, साहब खाली ऐसा दाढ़ी पे हाथ घुमाएंगे तो समझो गया कोई भी, ये उनका स्टाइल था। तो ये क्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दिगे साहब का चेले हो के ऐसा काम करेंगे? तो उन्होंने कहा विधानसभा में बाहर निकलते हुए, तो जो लिमिट के बाहर रहता उसको तो कड़क कार्यक्रम में करता हूं। तो क्या कर, तो अच्छी बात है ना, मराठी लोग अभी समझे बात को, मराठा आरक्षण के बारे में जो मराठा समाज है ये बात को लेके चले, समझना चाहिए ना, हम किसके ऊपर भरोसा कर रहे थे, हम एकनाथ शिंदे के ऊपर भरोसा कर रहे थे, वो भरोसे लायक है क्या, वो उनको समझना चाहिए। अभी पहले तो जरंगे पाटिल ने पहले ही गलती किया कि जो आए थे जो जोश से बंबई में घुसना चाहिए था। अच्छा आप तो भड़का रहे। नहीं भड़का रहने का बात क्या आता है, वो शांत होने की जरूरत ही नहीं थी, उनको लगा दिया और चाटते रहो बोला, और क्या है आप तो कर रहे हैं ना, आपको पोषण तो क्या, उसी टाइम पे अगर एक झटका देते तो सब सुधर जाते थे, देना चाहिए था, क्यों नहीं दिया, देना चाहिए था, आए थे ना इतना जोश में तो घुसना चाहिए था पूरा। झटके वाली बात, तो हमारा काम ही है वो झटका देना, और क्या है, हम झटका देते हैं। मुख्यमंत्री कहते हैं संविधान में जो रहेगा कायदे में रहेगा उसका सब काम होगा, तो कौन सा वो उनके 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 लड़के के मतदार संघ में कौन सा कायदे से हो रहा है, गोली चल गई, वो अपना प्रताप सर नाइक का मतदार संघ है भाईंदर, उन सब वहां कौन सा कायदे से हो रहा है, तो आप ही ले रहे हैं, हमें क्या जरूरत है, हमें हमारे ऊपर कार्रवाई करे, वो हम जेल में जाने के लिए तैयार है, पहले भी बोले आज भी बोले, उसमें हम डरते हैं क्या, हम जिस दिन जेल में जाएंगे पूरा समाज हमारे साथ में रहेगा खड़ा, हमको गारंटी है, और उनको मालूम है वो डरते हैं,
उन्हें मालूम है जिस दिन जनार्दन पाटिल को जेल में रखेंगे पूरा आगरी समाज अपने खिलाफ जाएगा। वो तो कहते हैं आगरी समाज पूरा पूरा खिलाफ जाएगा। मैं चैलेंज के साथ में बोलता हूँ, मैं कोई एकनाथ शिंदे के पीछे दौड़ने वाले में से आगरी नहीं हूँ, है ना समझ में। एकनाथ शिंदे ऐसा नहीं, कोई भी होने दो, कोई भी मुख्यमंत्री होने दो, उसके पीछे दौड़ने वाला आगरी नहीं हूं मैं। आगरी समाज बहुत दयालु होते हैं, जिससे दोस्ती करते उसके लिए जान भी देते, और जिससे दुश्मनी करते उसकी जान भी लेते। हमने देखे हमारे नेते आगे पीछे दौड़ने, हाँ आगे पीछे दौड़ने वाले नेते हमने देखे, उनमें से हम नहीं है। ऐसा ये आप हमेशा इस तरह की बात करते हैं, बेवा की जेल में जाना चाहिए, कुछ भी हो जाए जान जाएगी तो चलेगा, तो पहले से कर रहा हूँ। वो तो हमेशा जैसे बोलने वालों को हर हर सुबह कोई ईडी पहुंच जाता है, कहीं सीबीआई तो करे ना हमारे ऊपर, हम सामने से बोल रहे हैं कार्रवाई हो जाए, हो जाएगा, क्या फर्क। आपके पुराने तो बहुत कांड, हम चाहते हैं कि 2 महीना जाके अंदर बैठे आराम करे, बहुत काम करके थक गए, 2 महीने जाएंगे शांति से बैठेंगे, फिर देखो क्या होता है, फिर देखो क्या होता है। चेतावनी दे, चेतावनी ही समझे, कुछ भी होने दो ना, क्या फर्क पड़ता है, मालूम है ना हम क्या कर सकते हैं। आपसे अभी अभी आपने कहा कि लेके गए आप एक को, मामा बंदर की बात बताते, फिर से कुछ तोड़ तोड़ करने वाले ओह तो बाद में बताएंगे, बोल दीजिए वो तो होते रहेगा ना जब तक मामा चुनाव आता है तो पकड़ के और देखना पड़ता है मामा, पता नहीं कल कहाँ से किसी रास्ते जाकर किसी को खड़ा कर। देखिए मैं क्या बताऊँ आपको, जो उद्धव साहब जो भी उम्मीदवार देंगे जो भी, उसके लिए हम लोग जी जान से काम करेंगे। पर आप कभी कभार ये होता है उद्धव जी देते हैं वो अलग विषय हो जाता है, मामा ही ले जाकर खड़ा कर देते हैं, ये अच्छा है। और वो किसी और पार्टी से उम्मीदवार होने वाला होता है या उस पार्टी में लंबे समय तक काम किया होता है, सब लोग तोड़ते रहते हैं देखते रहते हैं। पिछली बार तो याद है ना एक विलास तरह वाली घटना, सब थे किसी और आंदोलन में और आप वहां प्रवेश करा गए, तो इस तरह की फिर से जोड़ तोड़ होता है, आप बोल दीजिए ना कुछ, अगर कोई नाम हो तो नहीं नहीं ये तो लोगों को मालूम पड़ेगा। पार्टी में काम करेंगे, हाँ बोलते नहीं, पार्टी में काम करेंगे तो होते रहेगा। हमने विजय पाटिल को भी लेके गए थे, विजय पाटिल भी शिवसेना के उम्मीदवार थे, भले एकनाथ शिंदे के कारण से वो नाराज होके निकल गए, लेकिन 29 गांव के लिए लास्ट तक लड़े ना वो, और नैया को पार लगाया ना, तो उद्धव साहब का साथ था ना उनको। लेकिन अब तो गड़बड़ हो गया ना, क्या गड़बड़ हो गया, 29 गांव के लिए अधिसूचना जारी कर दी उन्होंने, एकनाथ शिंदे ने दूसरा पत्र दे दिया और 29 गांव वापस महानगर पालिका में ही है। तो अभी 29 गांव के लोगों को सोचना चाहिए ना, एकनाथ शिंदे अपने फेवर में है क्या और किसी के फेवर में, अभी 29 गांव के लोगों को सोचना चाहिए आने वाले इलेक्शन में हमको किसके फेवर में जाना है, हमें हमारे लिए उद्धव साहब अच्छे थे या एकनाथ शिंदे अच्छे। आप जिसको जिसको लेके गए वो तो आप कहीं और, कौन और है, चाहे विलास तरे हो चाहे विजय पाटिल हो, अब आप किसको लाने वो किसके वजह से गए। एकनाथ शिंदे ने उनको अगर अच्छा पद पे लेते थे, काम देते थे, इज्जत देते थे, उनका फोन नहीं उठाते थे, उनसे बातचीत नहीं करते, तो क्या करेंगे वो लोग, उसमें उनकी गलती क्या है। विजय पाटिल कांग्रेस छोड़ के जब शिवसेना में आते हैं तो उनकी भी कुछ तमन्ना रहेगी ना, क्या उसको जिला प्रमुख पद तुरंत देना चाहिए था, वो अगर वो रहते थे पकड़ के, या और कुछ पद देना चाहिए था। आज हमें उद्धव साहब ने पद दिया तो हमारे से बड़ा तो विजय पाटिल को पद देना चाहिए था ना, तो रहते ना, क्यों नहीं दिया, क्योंकि उनको मालूम था कि यहाँ के जो स्थानिक भूमिपुत्र है, जो कैपेबल है खर्चा कर सकते हैं, उनको शिवसेना में लाने का ही नहीं था, क्योंकि शिवसेना को बड़ा करके देने का ही नहीं था एकनाथ शिंदे को, इसके लिए सब खेल खेला हो। अब आने वाले समय में आप लोग ठीक से लड़ाई लड़ेंगे, लड़ रहे हैं ना, पालघर में हमने 90 सीट चुन के लाया है, 90 ग्राम पंचायत, तो लड़ रहे हैं ना, गलत क्या है, मानेंगे नहीं मानेंगे ना, ये खासदार भी हमारा चुन के आएगा तो कहते हैं खोखे ले लो आ जाओ हमारे पास, अरे वो पैसे से सब होता नहीं ना, आप क्या पैसे से, देखो पैसे से अगर करने का रहता तो मुझे भी खरीद सकते थे पैसे से, आया था वो तो सबको मालूम है ना, आया था कि नहीं आया था, अभी वो मेरे मुंह से क्यों बोल रहे हैं, लेकिन मैं उनमें से नहीं ना, मैं दिघे साहब का शिष्य हूँ, अभी भी मैं बोल रहा हूँ, हम लोगों को कोई पैसे से खरीद नहीं सकता। सुना आपको बड़े नेताओं का फोन आया था कि आ जाइए वहाँ, क्या कर, सब पार्टी का फोन आया था ना, सब पार्टी का फोन आया था मुझे, हर एक पार्टी को लग रहा था। खुलासा कर दीजिए, क्या खुलासा करूँ, बीजेपी से भी बड़ा ऑफर था, सब पार्टी से ऑफर था, लेकिन मुझे मालूम है महाराष्ट्र को आज शिवसेना की जरूरत है, और हमारे शरीर के लोग अगर शिवसेना में नहीं रहेंगे तो शिवसेना खत्म हो सकती है महाराष्ट्र से, इसके लिए हमारे शरीर के हजारों लोग उतरे हैं ना उद्धव साहब के साथ में बैठे, कुछ भी हो जाए बिकेंगे नहीं, जाएंगे नहीं, झुकेंगे भी नहीं, बिकेंगे तो नहीं नहीं लेकिन झुकेंगे भी नहीं, कुछ भी हो जाए 2 महीना जेल हो, अरे ये सब हमारे लिए कुछ नया, अभी मैं सेटल है, मेरे बच्चे बिजनेस कर रहे हैं, मेरा भाई धंधा कर रहा है, अगर जाके 2-3 महीना बैठा भी तो क्या फर्क पड़ता है, मुझे क्या फर्क पड़ता है मेरे को आप बोलो। आखिरी लोकसभा चुनाव में कितनी बेबाकी से और कितनी दबंगई से उतरेंगे।
बहुत जोर में उतरेंगे सब, हमारे तीनों जिला प्रमुख, पालघर के पूरे टीम और हमारी जितने भी टीम है पूरा जो इसमें काम करेंगे। खाली उद्धव साहब हमारा उम्मीदवार कौन है वो खाली डिक्लेयर करें, उसके साथ में जी जान से लोग काम करेंगे। ये थे जनार्दन पाटिल, और जनार्दन पाटिल ने एक बार फिर से पूरी बेबाकी से बता दिया कि अब आने वाले लोकसभा चुनाव में भी वे शांत नहीं बैठेंगे, दबंगई के तरीके से राजनीतिक नीतियों को अपनाते हुए उद्धव बाला साहब ठाकरे के दल को मजबूत करने के लिए मैदान पर ठीक से उतरेंगे और लोकसभा चुनाव में पूरी बेबाकी के साथ चुनाव को लड़ेंगे। इनके सामने दो तीन दल होंगे, एक तो ये वो गठबंधन जिसकी चर्चा हमेशा होती है बीजेपी और शिवसेना और उनके साथ सहयोगी दल, और इधर होगा बहुजन विकास आघाड़ी। अब देखना यह होगा कि इन त्रिकोणीय लड़ाई में आखिर कौन है, किसका उम्मीदवार लोकसभा में पहुंचता है और किसका उम्मीदवार घर में बैठता है, सब कुछ देखने वाला।